अरे इधर पेड़ पे टांग दो तीन पे। दिख रहा है। अरे हमारा बैग रख दीजिए ऊपर। यहाँ रखिए ना, यहाँ हमारा बैग ले लीजिए। हेलमेट ले लीजिए, बैग ले लीजिए। हाँ हेलमेट रुकिए, व्यवस्था बनाते हैं। रुकिए, हाँ हाँ वही कर रहे हैं। हेलमेट की जगह खड़ी कर लिया जाए। एक बार ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे इस पे सही आ रहा है, सबका आ रहा है इस पे। पूरा नहीं आ रहा दोस्त, अब आएगा। पूरा नहीं आ रहा दोस्त। हाँ पूरा नहीं आएगा, पूरा दूर से रखा। आगे 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 हाँ सबका आ रहा है। बस ये कैसे रुक जाए? आ जाइए आप, सिलसिले से करिए। इसको कैसे रुक जाए? आ रहा है, सबका आ रहा है। देखिए है, सबका आ रहा है कि हम लगा दे रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा, हो जाएगा। हम निकले तो बैग हटाना पड़ेगा ना भैया, बैग हटा लीजिए। फिर हम निकलेंगे, बैग हटाने पड़ेगा, फिर मिल जाएगा वो मजा। फिर नहीं बहुत सही है। हाँ ईंट लगा देते। अरे रहने दीजिए यार, बस 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 बस, ये आया, ये आया। अरे गिर के कहाँ जाएगा भाई? अरे आगे हेलमेट कुछ लगा और आइए। बस कहाँ गिरेगा बताइए? बैग लेके जाएंगे ना, इसके ऊपर रखिए ना। बैग लेके जाएंगे, हिल जाएगा फिर। तो जाएंगे क्यों, बीच में जा रहा है क्या? 11 बजे निकलना। सुनिए सुनिए प्रशांत जी, इसके ऊपर रखिए ऐसे, इसके ऊपर रखिए, इसके ऊपर से है। ये सही नहीं है, फंसे और हम इसको टेढ़ा करें। आज डंडा नहीं लाया अपना स्टैंड। लो इधर कर दो और नहीं इस पे रखते हैं, मुझे ऐसे सबका। तब तो सुनो, तब तक रखो ऐसे रखो। हाँ ये सही, ठीक है। अपनी मैच लेके आ रहा है अरे लगा कुछ हो गया, हो गया सेट, हो गया। चलिए देख लो पीछे दिख रहा है, आएगा। चलिए एक बार मन तो बोल देंगे सभी लोग, क्या करना चाहिए? आज देव नमस्तुभ्यम, ठीक है सब लोग हम एक बार बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यम, आदिदेव नमस्तुभ्यम, कसीदमं भास्कर, कसीदमं भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते। सूर्य नमस्कार प्रारंभ, सिर्फ ओम उच्चारण करेंगे, मंत्र नहीं बोलेंगे, सिर्फ ओम उच्चारण करके एक बार तीन बार ओम उच्चारण करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है? ओ फिर से एक बार ओ, फिर से एक बार ओ, सूर्य नमस्कार प्रारंभ। अपने प्रणाम आसन की स्थिति में सब लोग आ जाएं, शुरुआत करते हैं। एक दो तीन
चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, पाँच पाँच तो नहीं, ठीक है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश सातवा, चलो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश सात, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश आठ, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश, जो थक जाएगा वो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में गैप कर सकते हैं, जैसे बीच बीच में जो नहीं कर सकता है जबरदस्ती नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सब योग टीचर हैं, आप दोनों अगर इसे पाँच दस कर लीजिए फिर रुक जाइएगा पाँच बार दस बार रुक जाइएगा फिर उसके बाद करिएगा, ठीक है दस बार ना नौ ठीक है कम्प्लीट करना ये मैराथन है, फिर नमस्कार मैरा ठीक है अरे आधा घंटा कम्प्लीट हो जाएगा, चार पानी दीजिएगा, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश, दस कंप्लीट हो गया ऐसे दस बार करना, दस ज्यादा नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एकादश द्वादश, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, एक दो तीन
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह थोड़ा स्लो करवा दीजिए पहले के लोग थक जाएंगे ब्रीथ लेती रहो मन में ओम सोचती रहो कोई दिक्कत नहीं थकान नहीं कुछ नहीं चलिए आराम से पंद्रह एक दो तीन चार थक जाए पाँच लगाओ छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितनी बार हुआ अठारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह उन्नीस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बीस बार हो गया आप लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे आप लोग आए यही सबसे बड़ी बात है लोग के लिए प्रेरणा का सोर्स है चलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बाईस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेईस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौबीस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह छब्बीस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सताईस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अट्ठाईस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह उनतीस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तीस इसी तरीके से तीन बार और करना है किसी की कोई दिक्कत ऊर्जावान है क्या युवा वायु जैसी ऊर्जा जिसके अंदर है वही युवा है शुरू करें नॉन स्टॉप क्या बात निकाल दीजिए शुरू करें तीस 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 नब्बे चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पैंतीस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौंतीस। चौंतीस ठीक है, नहीं ऐसे ऐसे लिए ऐसे दस दस पे, दस दस पे होल्ड थोड़ा दस दस। चौंतीस हुआ है, छः और चालीस कर दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पैंतीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह छत्तीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सैंतीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सैंतीस अड़तीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह उनतालीस, एक दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चालीस। हर दस पे थोड़ा होल्ड करो। शरीर की क्षमता, जब आप शरीर पे ध्यान देंगे इस तरह से ध्यान रखिए, योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, जब इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको न दर्द होगा न दुख होगा, क्योंकि योग आप अगर शरीर से करते हैं तो आपको दर्द होता है, क्योंकि जब अपने आत्मा से करते हैं तो शरीर को दर्द होता है ना, आपको आत्मा को नहीं पहुँचता है, आपको पता नहीं चलता उस दर्द का अभाव नहीं होता उसको। योग को जिए और उसको धारण करें तभी योग का उद्देश्य पूरा होगा। शरीर से त्याग करिए, शरीर को अपने मन से पृथक करिए, ठीक है। शरीर का जो दर्द है, पेन इज टेम्प्रेरी गेन इज परमानेंट, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो दर्द होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो उसे गेन होता है वो वज्र बना देता है आपके शरीर और मन को, ठीक है। चालीस दस करके पचास अर्धशतक पूरा करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तिरालीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौवालीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पैंतालीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौवालीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सैंतालीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अड़तालीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अड़तालीस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। पचास बार हो गया, ठीक है। दारू पी के ना दिव्य दारू हमारे अभ्यास करें।
50 बार कंप्लीट हो गया, एक बार योग की 50 बनाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होता है, कुछ नहीं होता, दारू ना 10 मिनट में क्या बार करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 स्टार्ट। ओम उच्चारण। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आराम आराम से करते हैं। मैराथन में लोग दौड़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में स्पीड पकड़ लेना। हाँ, चार बार हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 47, 46, 56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 57, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 58, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 41 बार और 41 टाइम पता नहीं, सही नहीं है रिमेनिंग 41 टाइम 40 मिनट ओनली 20 मिनट 60 हो गए 20 मिनट एक एक मिनट दो बार सेकंड का 3 बार चार बार होता है। हम जो कह रहे हैं स्पीड में कराइए 10 मिनट लगेगा। अरे नहीं 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 स्पीड नहीं थोड़ा ठीक है नहीं सही है। चलिए 4 से 6 ओम उच्चारण। ओ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 1, 2, 3, 4,
पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नौ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दस सत्तर कंप्लीट पच्चीस दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तीन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह छः एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस ग्यारह बारह सात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह आठ हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दस ट्वेंटी वन चांस लास्ट अच्छा चलो आ गया शेर आ गया वो भी शेर से कम नहीं है चटाई लेके आया है अपनी वो भी देख रहा है अरे चटाई लेके इस बार नॉन स्टॉप ट्वेंटी वन करिए क्यों स्लिप कर तो इधर आ जाओ सब चलो बीस चलो इक्कीस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तीन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह छः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दस अब भाई सबको करना है अब सबको करना है कंप्लीट कर दे अठारह अठारह कितने बचे ग्यारह आठ कर दे नहीं ग्यारह बजे सबको करो आप आप लोग नहीं करें ग्यारह तो बचे आराम से करिए अठारह बार और दस कर ले फिर आठ आप लोग करिए आराम से हो गया तो अरे स्पीड कम कर दीजिए थोड़ा सा दस कम हो गया
दस बार कर ले, फिर आठ बार आप लोग पांच बार लास्ट में साथ आ जाइए, ठीक है। 108 कंप्लीट कर दें, सुबह 108 छोड़ गए हैं। 10 कंप्लीट करना पहले। दारू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चार हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10 ऐसे ऐसे अपान हो गए, थका तो नहीं तुरंत। ये वायु मुद्रा पहले खत्म कर देता, पहले वायु मुद्रा फिर है अपान अपान वायु मुद्रा करने से चींटी काटे लग गई। हां गर्मी आ रही है अभी, तो सर दारू का सर हो रहा है। ये अपान वायु मुद्रा, वायु मुद्रा अपान मुद्रा दोनों एक साथ, इसमें आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी फिर से नॉर्मल। ये इंडेक्स फिंगर एंड थंब एंड मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर टीप ऑफ द थंब, अपान वाला गैस की कोई भी समस्या होती है प्रेशर बढ़ता शरीर का तो कम हो जाता है। ट्रेन का डिसीजन कर लो, आठ बार और करें गांधी रोए ध्यान है ने जो मोशन होगी वो अच्छे से एक बार पूरे हो, ठीक है। तो 108 बार सूर्य नमस्कार कंप्लीट करने के हम लोग कगार पे हैं एकदम से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, 101। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, दो, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वार, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नौ, दस, एकादश, द्वादश, एकम, द्वे, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, चार, चार बार और, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, लास्ट वन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, सभी लोग शासन में लग जाएं। सभी लोग शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेटने के बाद आपने ब्रीथ को पहले शांत करें, जैसा कि बताया गया था कि 101 बार सूर्य नमस्कार करना है, लेकिन हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार 108 बार अच्छा ज्यादा माना जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने 108 बार सूर्य नमस्कार कंप्लीट किया, ठीक है। अपने मन को पूरी तरीके से शांत चित्त बनाएं, ऐसा लग रहा है
जैसे आप शरीर से बाहर निकल गए हैं। आपका शरीर इस जमीन पे इस पृथ्वी तत्व को महसूस करते हुए पड़ा हुआ है। शांति का अनुभव करें, इस प्रकृति के ठंडक का अनुभव करें, मन को शांत रखें। सारा ध्यान आपके शरीर के एक एक अंगों पे होना चाहिए। आपकी रक्त वाहिनियों में किस तरीके से रक्त का प्रवाह हो रहा है उस पे ध्यान लगाएं। रक्त का प्रवाह किस तरीके से हो रहा है, लाल रक्त कणिकाएं किस तरीके से आपकी रक्त वाहिनियों में बह रही हैं उस पे ध्यान लगाएं पूरी तरीके से। सूर्य नमस्कार, सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर धारण करने की एक विधि की तरह हम मान सकते हैं इसको। मन को शांत करें, शरीर के हलचल को पूरी तरीके से शांत चित्त बनाएं। अब हम जो जो भी बोलेंगे उसको आप महसूस करेंगे, उसको आप अनुभव करेंगे पूरी तरीके से। आपके शरीर के एक एक अंग का, एक एक कोशिकाओं का जो दर्द है वो पूरी तरीके से बाहर निकल रहा है। सारे रोग खत्म हो रहे हैं। ऊर्जा का प्रवेश आपके शरीर में हो रहा है। ब्रह्म ऊर्जा का प्रवेश, कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवेश, इस ब्रह्मांड की सबसे अत्यधिक एनर्जी का सोर्स जो है वो आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। उस ऊर्जा को अपने 7 आध्यात्मिक चक्रों में एकत्रित करिए, कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए, जो आपके शरीर को चलाने में सहायक होती हैं। मन को पूरी तरीके से शांत चित्त रखते हुए, पूरी तरीके से शांत चित्त रखते हुए आप ऐसा समझिए जैसे कि आप किसी समुन्दर में तैराकी कर रहे हैं। समुन्दर जो कि बहुत ही शीतल है, उसका स्वभाव गर्म नहीं, वो शीतल समुन्दर है। उसकी गहराइयों में आप तैराकी कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, और आपके आसपास ढेर सारी मछलियां तैर रही हैं साथ में। प्रकृति की अद्भुत सौंदर्य आपके आसपास चल रही है। समुद्र की नमकीन पानी जो है आपके चेहरे, आपके स्किन को स्पर्श कर रही है। और गहरे समुद्र में चलते जाइए, देखिए समुद्र की तलहटी पे लगभग 10 किलोमीटर दूर जब आप समुद्र के अंदर जा रहे हैं, कितने खूबसूरत दृश्य, कितनी खूबसूरत वनस्पतियां आपको दिखाई दे रही हैं, कितने खूबसूरत खूबसूरत मछलियां आपको दिखाई दे रही हैं, उसको देखने का प्रयास करिए। अपनी कल्पना दृष्टि से उसको महसूस करिए। सुनहली सुनहली मछलियां, जितना भी आज तक आप लोगों ने सौंदर्य को देखा है उसको अपनी मन की दृष्टि से उसको महसूस करने का प्रयास करिए। अपने शरीर के दुख दर्द और रोग को अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी ऊर्जा से दूर करिए। इस शरीर में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हैं, ये हमारे वेदों में वर्णित है। हमारे अंदर वज्र बनने की शक्ति है, हमारे अंदर बड़े बड़े कार्य को करने की शक्ति है। उस युवा शक्ति को जागृत करें। युवा, वायु जैसी ऊर्जा, अग्नि जैसा तेज, पृथ्वी जैसा शीतल और पवित्र, आकाश जैसा शांति का अनुभव, ब्रह्मांड की पूरी यात्रा करें आज इस सुप्तावस्था में। शीतलता को महसूस करें, ऐसा महसूस करें जैसे ये पृथ्वी आपको पूरी तरीके से, चारों तरीके से अपने गोद में रख ली है। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आप इस प्रकृति के एक एक तत्व को अपने शरीर में, अपनी कोशिकाओं में महसूस करिए। इस प्राकृतिक सौंदर्य को, इसकी शीतलता को ऐसा महसूस करिए जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा हो रही है आपके शरीर पे। जो भी आपने अभी देखा है उसको महसूस करिए। अब हम पूरे शरीर की अपनी यात्रा करेंगे मन की दृष्टि के साथ। सबसे पहले अपने शरीर के सबसे निचले हिस्से, अपने पैर के अंगूठे के नाखून को देखिए, ध्यान से देखिए। मन की आंखों से देखना है आपको।
मन की आंखों से अपने शरीर के सबसे निचले हिस्से, पैर के अंगूठे को देखिए, उसके नाखून को देखिए, पांचों अंगुलियों की नाखून को देखिए, एक साथ दाहिने पैर के, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा महसूस करिए और अनुभव करते जाइए। आपने 108 बार सूर्य नमस्कार किया, उस दर्द को भूल के उस ऊर्जा को महसूस करिए जो आपके अंदर अभी प्रवेश की हुई है। पैर के पांच उंगलियों को देखिए, दाहिने पैर के, फिर बाएं पैर के, धीरे धीरे एंकल ज्वाइंट्स पे आइए, एंकल ज्वाइंट्स को देखिए, उसमें एक अद्भुत सी ऊर्जा शक्ति का प्रवेश जैसे हो रहा है, पृथ्वी तत्व का प्रवेश हो रहा है, उसको महसूस करिए। धीरे धीरे हम अपनी यात्रा को आगे और ऊपर बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे काफ मसल्स के पास आइए, वहां पे अपने शक्ति को महसूस करिए, वाइब्रेशंस को महसूस करिए। घुटने में आइए, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, अश्व संचालन करते हैं, वज्रासन करते हैं, चेयर पोज करते हैं या कोई भी आसन करते हैं, तो सूर्य नमस्कार से किस तरीके से आपके शरीर पे प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को, उस शक्ति को, उस वाइब्रेशन को महसूस करिए। फिर धीरे धीरे अपने थाइस पे आइए, वज्रासन में, चेयर पोज पे या वीरभद्रासन में, वीरासन में, किस तरीके से सुप्त वज्रासन में किस तरीके से आपके थाइस पे प्रेशर पड़ रहा है, आपके सारे रोग को दूर कर देता है, किस तरीके से उसको सोचिए और समझिए और उस शक्ति को महसूस करिए, वाइब्रेशन को महसूस करिए। अब नाभि के पास आइए, सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के पास आइए जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से में है, जहां पे आपका टेल बोन होता है, उसके नीचे जो मूलाधार चक्र है वहां पे अपने शक्ति को महसूस करिए और ऐसा सोचिए कि जैसे लाल रंग का कोई चक्र है जो आपके मूलाधार चक्र में घूम रहा है और आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवेश कर रहा है, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, फिजिकल बॉडी है, उसको स्ट्रांग बना रहा है। आप इस शक्ति को महसूस करिए, कितनी ज्यादा शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है आपके मूलाधार चक्र के द्वारा, जिससे आपकी सारी चक्र ऊर्जावान होती है। धीरे धीरे ऊपर उठिए, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में आप नारंगी रंग का प्रकाश देखिए, नारंगी रंग का एक चक्र देखिए जो नाभि और मूलाधार चक्र में सेक्सुअल क्रोन के बीच में है, उसको देखने का, महसूस करने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने नाभि चक्र को देखिए, नाभि यानी मणिपुर चक्र, जो मणिपुरा चक्र है वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक प्रतीक है। पीले रंग के प्रकाश को देखिए अपने नाभि में, पीले रंग के प्रकाश को अपने नाभि में देखिए, जैसे सूर्य आपके नाभि में प्रदीप्त हो रहा हो ऐसा देखिए, सूर्य, भगवान सूर्य आपके नाभि में जैसे प्रवेश किए हो ऐसा देखिए और वो चक्र क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, उसको महसूस करिए, देखने का अनुभव करिए, पूरी शक्ति को धारण करिए। जैसे ही वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके अंदर आपके अंदर ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूम रहा है, तो आपके अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से, आत्मा से बाहर निकल रही है, उसको महसूस करिए। धीरे धीरे आइए, ऊपर आइए, हृदय चक्र, अनाहत, अनाहत चक्र पे आइए और वहां पे देखिए हरे रंग का प्रकाश, ये जो प्रकृति की हरियाली है आपके हृदय में प्रदीप्त हो रही है, जो प्रेम का एक सोर्स है, प्रेम की यो एक शक्ति का केंद्र है, वहां पे प्रेम आपका विकसित हो रही है। आप पूरे ब्रह्मांड को, पूरे परिवार को एक परिवार की तरह मान रहे हैं, पूरे संसार को एक परिवार की तरह मान रहे हैं और इस राष्ट्र निर्माण के हर एक सदस्य को सभी बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्पवान हो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आप इस ब्रह्मांड की, इस संसार की, इस विश्व की समस्त नकारात्मक शक्तियों को दूर करेंगे और सकारात्मक शक्तियों को आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से।